हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये जन्माष्टमी का दिन है फ्रेंड्स, तो कुछ लड्डू गोपाल के लिए, भोग लगाने के लिए फ्रेंड्स कुछ बनाएंगे प्रसाद। तो मेरे पास घी नहीं है, तो उस वह तो क्रीम मलाई रखी हुई थी फ्रेंड्स, तो उसी का हम मक्खन निकाल रहे हैं और इसके बाद घी बनाएंगे, फिर इसके बाद प्रसाद बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मिक्सी से हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद फ्रेंड्स फिर स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए क्रीम कैसे, मक्खन कैसे निकल गया है। और थोड़ा सा मक्खन फ्रेंड्स रखेंगे लड्डू गोपाल के लिए, उसमें मिश्री और मक्खन। और फ्रेंड्स उस साइड में देखिए गैस पे हमारा घी हो रहा है, हो गया है। और ये थोड़े मेवे निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, काजू, बादाम और दाल मखाना और दो नारियल फ्रेंड्स वो रखा हुआ गरी, इसको घिसेंगे। और कटोरी में फ्रेंड्स ये देखिए गोंद, गोंद को भी डालेंगे। और ये फ्रेंड्स देखिए हमारा नारियल घिस गया, एक घिस गया, एक अभी और घिसना है, तो अभी हम घिसेंगे। और फ्रेंड्स आज जन्माष्टमी भी है, रात में 12 बजे व्रत भी है हम लोगों का, हम लोग जन्माष्टमी व्रत भी हैं। घी देखिए उत्तर तैयार हो गया, कुछ करने लगे तो थोड़ा सा जल गया, चलिए इतना भी नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो गया काला, अरे नीचे का जल गया घी नहीं। और फ्रेंड्स ये देखिए अब हम गोंद को भून रहे हैं। पहले फ्रेंड्स पहले अब हम गोंद को भून रहे हैं, भूनने के बाद फिर और मेवे भूनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में घी डालिए तो फिर ज़्यादा घी रहता है ना, तो गोंद भूनने पे कम हो जाएगा। तो और कुछ ये देखिए काजू और बादाम को भून रहे हैं, थोड़ा सा जब रेड हो जाएगा फ्रेंड्स तो निकालेंगे। 5 मिनट भूनिए और रेड होने लगे फिर उसके बाद जब फिर निकाल लीजिए। और वो घी जो हमने फ्रेंड्स डाला था वही घी है, उसी में हमने पहले गोंद भूना और फिर काजू और बादाम। घी जो लगता है फ्रेंड्स केवल उसमें लगता है, गोंद में और मेवे में ज़्यादा नहीं लगता। फिर हमने दाल मखाना में जो घी बचा था उसको दाल मखाने में भून लिया। और अब थोड़ा सा घी और डाल के और जो नारियल को हमने घिसा है दो नारियल, इसको भून लेंगे जब हल्का हल्का रेड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, तो हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और जो नारियल है ना इसको स्लो आंच पे ही भूनिए, जो गैस की फ्लेम हो स्लो हो। और फ्रेंड्स देखिए सब कुछ हमारा भुन गया है, और दाल मखाना और काजू बादाम को मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। दाल मखाने को ज़्यादा थोड़ा सा महीन कर लेंगे और काजू बादाम को थोड़ा ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, थोड़ा महीन होगा थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा, टूटा टूटा जो दरबारा जिसको जो इसको कहते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स लोढ़े से हम जो गोंद को भूने तो उसको ऐसे पीस रहे हैं, मतलब उसी से कूट रहे हैं, ये सही हो जाएगा। अगर हम मिक्सी में करेंगे तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, नहीं सही रहेगा, बिल्कुल महीन हो जाएगा। और लोढ़े से हमने किया तो इससे सही रहे। और फ्रेंड्स ये देखिए चाशनी को हम चेक कर रहे हैं, गुड़ की चाशनी है। और हमारा जब तैयार हो गया तो हम इसी में हमने सारा रखा हुआ था दाल मखाना और नारियल और काजू बादाम को, तो इसी में डाल देंगे। इसके बाद फिर फ्रेंड्स हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिला लीजिए। और फ्रेंड्स चाशनी आपको जैसा पसंद हो, इससे बहुत लोगों को मुलायम अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हाँ आप तार का मत करिएगा, आप ऐसे ही डाल दीजिएगा।
और हमारे यहाँ थोड़ा सा सब लोग कड़ा पसंद करते हैं, तो हमने एक तार की चाशनी बना ली गुड़ की। और इसके बाद फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और फ्रेंड्स हमने दो गुड़ डाला था, हम तो और हल्का मीठा कर रहे थे, लेकिन सब लोगों ने कहा थोड़ा मीठा रहेगा, तो फिर हमने दो गुड़ डाल दिया फ्रेंड्स। और ये काजू हमने रखा है इसको सजाने के लिए, मतलब डेकोरेट करने के लिए जब हम प्लेटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिया। और फ्रेंड्स इसमें हमने गोंद भी मिलाया था, जो नहीं लोड़े से हमने पीस जिसको दरबरा किया था, दरदरा। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अभी फ्रेंड्स हम क्योंकि हमारे हमने थोड़ा कड़ा किया है ना, तो अभी हम इसको कट कर देंगे तो आसानी रहेगी, बाद में ये टूट जाएगा वरना फिर काटने में दिक्कत होगी फ्रेंड्स। और काजू जो था ना भुना हुआ, उसी से हम इसको डेकोरेट कर दे रहे हैं। और बताइए ये हमारे जन्माष्टमी का प्रसाद मेवा को जो पाग होता है वो तैयार है। सारे मेवे को और गुड़ की चाशनी या चीनी की चाशनी जैसा आपको खाना हो वो उसमें आप लोग डाल के और तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे तो मेवा का इसको कहते हैं पाक कहते हैं मेवा का जो होता है। और आप लोग यहाँ क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये समझिए मेवे की मिठाई तैयार है, लेकिन इसमें गुड़ पड़ा है फ्रेंड्स, केवल खोया नहीं। ये हमारा जन्माष्टमी पे तैयार है। और फ्रेंड्स अगर हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए।